बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एप्पल फेवरेट प्रोडक्ट दिखाऊंगी। उससे पहले सो गाइस, मुझे आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना है कि हम इन्वायरमेंट में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मतलब हम अपने लिविंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाके हम इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि हम कैसे पानी को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि वी ऑल नो कि जो अर्थ है 70% वाटर है, उसमें 2.5% फ्रेश वाटर है, जिसमें से ओनली 1% वाटर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल बस ये पॉइंट है कि हमारे पास 1% वाटर है, सो हम उसे सेव कर सकते हैं। लाइक हम उसे वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे हम ब्रश करते वक्त लाइक जो टैप है वो खुला रखते हो, कंटिन्यू ब्रश कर रहे होते हैं, तो पानी जो उस टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। आपने किसी ऐड में भी देखा होगा, कमर्शियल ऐड में। तो इस ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है जिससे हम पानी सेव कर सकते हैं। लाइक जब टैंक फुल हो जाता है, जो हमारे छत पे रूफ पे जो टैंक होता है फुल हो जाता है, पानी गिरता है, वो भी वेस्ट ही है। लाइक बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसे हम ये देखते हैं कि पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हम इसे सेव कर सकते हैं। गाइस आप छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो हम बहुत सारा पानी सेव कर सकते हैं। अगर हम एक ड्रॉप भी सेव कर रहे हैं तो वो भी काउंट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप ये पॉइंट याद रखोगे और आप ये ज़रूर यूज़ करोगे, और आप ध्यान रखोगे कि पानी वेस्ट ना हो। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कि मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा मैं इंस्टाग्राम हैंडल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको स्किन केयर से रिलेटेड रखती हूँ। तो स्किन केयर में आजकल ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, एम कैफीन का। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, वैनिटी केस में आया था। लिटरली इसकी स्मेल और जो इसका कॉम्बिनेशन विद आर्गन ऑयल विटामिन ई, और आपको तो पता है विटामिन ई और आर्गन ऑयल आपकी फेस के लिए कितना अच्छा है, लाइक ग्लोइंग, और ये अंदर से हील करता है आपकी स्किन को। तो ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, बहुत ही यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। ये बिल्कुल स्टिकी ग्रीसी कुछ नहीं है। फेस वॉश करने के बाद इसे नॉर्मली आप लगा सकते हो और आपको बिल्कुल फ्रेश फील होगा। आप इसे शॉट दो, गिव इट अ ट्राई। मैं आपको सारे जो भी प्रोडक्ट यहाँ दिखाऊंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और नहीं मिला तो मैं अगर मुझे वो ऑनलाइन नहीं मिले तो मैं नाम लिख दूंगी। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करना इस प्रोडक्ट को। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस गार्नियर रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आप इसे रात में लगाओ, आपको इतनी अच्छी स्मेल और सूदिंग सा फील होगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है प्रोडक्ट, और ये ख़त्म हो चुका है, मुझे इसे दूसरा देखो पूरा ख़त्म, ये दूसरा ऑर्डर करना है। तो ये पूरे अप्रैल मैंने बहुत ही यूज़ किया है, और अगर आप 20+ है तो आपको एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हम 20+ में हमारी जो स्किन है वो एजिंग होना स्टार्ट होने लगती है। तो एंटी एजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस है हमारी एजिंग की उसे वो स्लो करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट मेकअप में, दिस नायका पैलेट। आई रियली लव दिस पैलेट, जो इसके सारे शेड्स हैं बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा मैं ये लाइट शेड यूज़ करती हूँ एज अ हाइलाइटर, तो बहुत ही परफेक्ट है और ये रहता है, और एज अ हाईलाइट आपको बहुत सटल अच्छा सा ग्लो देता है ये आपकी स्किन को। मैं इसे यहाँ चेक और जो भी हाई पॉइंट्स है लिप्स यहाँ पे यूज़ करती हूँ, और ये रहता है, और इनर कॉर्नर्स में भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है ये मेरे फेस को। सो दिस नायका पैलेट। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस दिस लोटस सनसेप हर्बल, और ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। लिटरली ये जेल फॉर्म में है, और ये मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था, और ये जो प्रोडक्ट है लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपको कोई बेस नहीं देता, ये ट्रांसपेरेंट है, ये SPF 50 है, तो ये बहुत देर तक आपकी स्किन पे तो ये आपकी स्किन पे बहुत देर रहेगा। बट इसमें लिखा है कि आपको एवरी 2 आवर्स री अप्लाई कर लेना चाहिए सनस्क्रीन, बट आप 3 to 4 hours बाद भी सनस्क्रीन रीअप्लाई कर सकते हो ज़्यादा से, और ये SPF 50 है तो आप इसे 3 to 4 hours भी कर सकते हो रीअप्लाई। और आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर यूवी रेज है जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सो गाइस मूविंग टू द फेस वॉश, तो ये कूल कोकम्बर फेस वॉश है, और ये वैनिटी केस में आया था। ये फेस वॉश लिटरली इसमें से कोकम्बर की स्मेल आती है, और ये मैं इसका बड़ा वाला पैक मंगाने वाली हूँ, ये बहुत ही सही है। और लाइक इसकी जो स्मेल है और जो आप फेस करते हो और आपको एकदम फ्रेशनेस, एकदम कुकुम्बर टाइप फ्रेशनेस आता है,
बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही परफेक्ट है और ये रियली इफेक्टिव फेस वॉश है गाइस। ये मुझे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ये फेस वॉश पसंद है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुकी हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट फेस वॉश, एक दिस क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, और ये मेरा पता नहीं चौथा या पाँचवा ट्यूब होगा। ये फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ गाइस, मैं फेस वॉश चेंज करती रहती हूँ लाइक हर 2 दिन 3 दिन पे। लाइक कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये यूज़ करती हूँ, डिपेंड करता है। और लाइक और भी फेस वॉश है घर में, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है ना डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉश यूज़ करना। सो दिस क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस फेस वॉश, ये बहुत ही अच्छा है। आप इस फेयरनेस वर्ड पर मत जाओ, मैं बार बार कहती हूँ जब भी मैं बताती हूँ, बट आप इसे ट्राई दो। आपकी जो स्किन है वो ब्राइट फील होगी और बहुत ही अच्छा है ये। मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ लिटरली, ये मेरा फेवरेट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस क्लीन एंड क्लियर ब्लैक हेड क्लियरिंग डेली स्क्रब। ऑल्टरनेटिव डे पे मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। मैं ब्लैक हेड्स तो नहीं है बट ऐसे ही नॉर्मल स्किन क्लिनजिंग, दिस क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, सॉरी स्क्रब, डेली स्क्रब। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस लास्ट प्रोडक्ट इज दिस चारकोल सोप, और ये मैं ख़त्म कर चुकी है, ये दिस साइज आया था। सो ये लाइक मैं फेस पे या बॉडी पे सोप यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब से ये चारकोल सोप आया है मैंने इसे ट्राई किया है गाइस। ना मेरी स्किन पे कोई एलर्जी है ना कुछ। जब अगर मैं सोप यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे रैशेज और एलर्जी हो जाती है, बट इससे कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं ये फेस पे भी यूज़ करती हूँ ये चारकोल सोप, तो ये बहुत ही अच्छा है। इंस्टेंट फ्रेशनेस, आई नो मैंने सारे फेस वॉश के लिए यही कहा, बट क्या करूँ, सारे ही फ्रेश करते हैं फेस को। और बट इसकी स्मेल बहुत बेस्ट है, इसमें बहुत सारे एसेंशियल्स ऑयल है जो आपकी स्किन के लिए अच्छी है। और ये चारकोल सोप है और चारकोल का तो आजकल लग रहा है ट्रेंड चल रहा है हर चीज़ में चारकोल, तो आप इसे ट्राई करो। और इसका जो नेम है मुझे याद नहीं, गेरी पिक इसकी फुल लेके आया था। इसकी स्मेल और जब मैं यूज़ करती हूँ रियली बहुत फ्रेश फील होता है बॉडी पे भी इसे यूज़ करने के बाद। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, और मेरा पॉइंट मत भूलना, #SaveWater। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।